Okay, so now let's come to next chapter 7, Input Tax Credit. क्या कर रहे हैं मैं वापस बताती हूँ. वी आर बेसिकली सॉल्विंग द स्कैनर ऑफ जीएसटी. जो मैंने कोशिश करी है सारे क्वेश्चंस जो आईसीएआई ने आरटीपी ऑफ मे 18, नवंबर 18, मॉक टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स, मे 18 के क्वेश्चन पेपर्स, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सारे मिलके मैंने क्वेश्चन बैंक तैयार किया ऑफ 93 क्वेश्चन टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज. तो हम लोग 6 चैप्टर्स करके ऑलरेडी आ चुके हैं. इन ऑल 12 चैप्टर्स हम लोग 12 चैप्टर्स मिला के 93 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. एंड क्वेश्चन कम्स, मैम हमें ये जो आपका सॉफ्ट कॉपी कहां से मिलेगा? यू कैन गो टू माय वेबसाइट www.camitamangal.com. वहां पे ये अपलोड किया हुआ, आप डाउनलोड कर सकते हैं. एम आई क्लियर? कैन आई गो एट Come to chapter 7, Input Tax Credit. It includes 15 questions and ITC में से 2 question exam में बनते ही बनते हैं. हम एक लो, तो ये 15 question में से 2 question आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है. ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हम जो 15 question पढ़ रहे हैं उसके कुछ और permission combination बना के वो नया question बना लेंगे. हम एक लो, I hope you're with me. There are how many questions? 15 question in chapter 7. और बस जब मैं आईटीसी बोलती हूँ मेरे दिमाग में 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 16, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 ऑफ विच एक्ट? सी जीएसटी एक्ट 2017. कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेक्शंस आते हैं? 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18. और बस 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए एग्जाम में. लेट्स ट्राई टू कवर योर सिलेबस ऑफ आईटीसी. अगेन मैं पहले ही बोल देती हूँ, हम सारे डायरेक्ट क्वेश्चन रिवाइज करने वाले या उसको देखने वाले नहीं. हम कितने क्वेश्चन करें, सारे इनडायरेक्ट कर रहे हैं, 90% इनडायरेक्ट ही है. चलो, रामोप्लास स्कोप सोप फैक्ट्री. फर्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्यूटी सोप्स फॉर एवर ग्लो इन मुंबई. Has provided the following information pertaining to purchases made or services availed in the month of January. मतलब इन्होंने क्या purchases किया है, inputs या क्या input services avail किया है, उस पे जो जो tax pay किया है उसकी details दी है. You are required to compute the input tax credit available with Ramoplast Soap Factory for the month of January, assuming that all other conditions for availing ITC wherever applicable has been fulfilled. बस वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक पे क्वेश्चन फिक्स आने वाला है. सी जीएसटी चाहता है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लो, तो जीएसटी टैक्स को क्रेडिट को डिसअलाउ करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है ही नहीं. वो चाहता ही नहीं कि कैस्केडिंग इफेक्ट हो, वो चाहता ही नहीं कि टैक्स पे टैक्स लगे. इट्स ओनली वन सेक्शन, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5. ओनली वन सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जिसने हमें ब्लॉक क्रेडिट बता कर रखा है. ब्लॉक का मतलब इन इन अगर आपने आइटम को क्या किया है, परचेसेस किया है या ये सर्विस अगर आपने अवेल करी है उस पर अगर आपने टैक्स पे किया है तो मैं उसका आपको क्रेडिट नहीं दूंगा. रेस्ट उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि क्रेडिट नहीं देने का. दे डोंट वॉन्ट टू मेक टैक्स ऑन टैक्स, और टैक्स एंड टैक्स के कारण चीजें महंगी हो जाती है एंड कंज्यूमर्स का नुकसान होता है, इंडिया एज ए नेशन का नुकसान होता है. ओनली 17 सब सेक्शन 5 ने कुछ लिमिटेशन दी है. फर्स्ट वन, सोप मेकिंग मशीन. मशीन परचेस करिए, मशीन परचेस करिए विच इज गोइंग टू बी यूज, उसका क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मशीन का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड्स. इनका कहना है कोई भी अगर कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हो टू विच इज गोइंग टू बी यूज इन अ फैक्ट्री, तो मैंने बिजनेस क्या है, सोप फैक्ट्री है. और सोप फैक्ट्री अगर मेरा बिजनेस है, मैं सोप मेकिंग मशीन खरीद रही हूं, मतलब मैं अपनी फैक्ट्री में यूज करने वाली हूं, तो मुझे 50,000 का क्रेडिट मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स. मैंने मोटर व्हीकल परचेस करी है. आप 17 सब सेक्शन 5 बोलता है अगर आपने मोटर व्हीकल परचेस करी है और उस मोटर व्हीकल परचेस के ऊपर अगर आपने टैक्स पे किया है, नॉर्मली उसका क्रेडिट हम आपको नहीं देंगे. नॉर्मली हम उसका को क्रेडिट नहीं देंगे. पर अगर आपने मोटर व्हीकल क्यों परचेस करी है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तब उसका आपको क्रेडिट देंगे. मतलब 70,000 का हमें क्रेडिट मिलेगा. थर्ड, मेंबरशिप
of fit and fine health and fitness center for its employees. Clearly, membership ki services ke liye kya, agar aapne membership service ke liye hai, aur usne tax pay kiya hai, clearly disallow kar diya hai, iska credit aapko nahi milega. Am I clear? For input purchase, normally input purchase ka credit milta hai, par aage kya likha hai, yahan pe wo inputs kya ho gaye, chori ho gaye hai, has been stolen. See, normally inka logic kya hota hai, agar aaj aapne input purchase kiya hai, us pe tax pay kiya hai, to main aapko credit dunga. Kyunki aap us input ko jab kis mein convert karoge, finished goods mein convert karoge, to us finished goods pe again tax lagaunga, to double taxation ho jata hai, isliye wahan tax laga ke pichle level ke stretch ka main aapko credit de raha hu, net off kar deta hu. पर यहां पे मेरे इनपुट्स क्या हो गए, चोरी हो गए, तो मैं उसको कन्वर्ट करके बेच ही नहीं पाऊंगा, तो आगे मैं टैक्स लगा ही नहीं पाऊंगा. तो मैं ऐसे इनपुट्स जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं, जिस पे आपको टैक्स ही नहीं लग रहा है, तो उसका मैं क्रेडिट क्यों दूं आपको, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. ये भी ब्लॉक क्रेडिट ने मना कर दिया है. ये भी किसने मना कर दिया है, ब्लॉक क्रेडिट ने मना कर दिया है. तो इन शॉर्ट हमने पॉइंट्स आते हैं, फोर पॉइंट्स आते हैं, उसमें फर्स्ट सेकेंड पॉइंट का क्रेडिट मिलेगा एंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट क्रेडिट नहीं मिलेगा. देखो हमेशा फर्स्ट ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ फर्स्ट राइटिंग व्हाट आर यू डूइंग, योर कंप्यूटिंग आईटीसी अवेलेबल विद रामप्लस सोप फैक्ट्री, सोप मेकिंग मशीन 50,000 रुपीस. क्लियरली लिखा है कि आप उस गुड्स को कहां यूज करने वाले, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने वाले, क्रेडिट मिलेगा. मोटर व्हीकल के लिए नॉर्मली मना करके रखा है, पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए मिलता है. मेंबरशिप क्लियरली ब्लॉक करके रखा है, एंड अगर आइटम्स चोरी हो गए तो क्लियरली ब्लॉक करके रखा है. आईटीसी टोटल कितना अवेलेबल है आपके पास, 1,20,000 का आईटीसी अवेलेबल है. एम आई क्लियर? यस, क्वेश्चन नंबर वन क्लियर. बॉस अगेन आई एम सेइंग टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, दिस 100% इज गोइंग टू बी देन योर पेपर. एम आई क्लियर? कैन आई गो एंड क्वेश्चन नंबर वन क्लियर? कम टू क्वेश्चन नंबर टू. ओके, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर टू. क्लासिक टेक्सटाइल्स लिमिटेड परचेज अ नीडल डिटेक्टिंग मशीन ऑन 6th ऑफ जुलाई 2017 फ्रॉम बालाजी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड फॉर रुपीज 10 लैक्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड पेइंग जीएसटी रेट ऑफ 18% ऑन द सेम डे. इट अवेल आईटीसी ऑफ दिस जीएसटी पेड ऑन द मशीन एंड स्टार्टेड यूजिंग द मनी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. द मशीन वॉज सोल्ड ऑन 18th October फॉर रुपीज 6 लैक्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी as second hand machine and the GST rate on supply of machine was 18%. Compute the amount payable by Classic Textiles Limited in accordance with the statutory provision on the sale of second hand machine. Understand karo. See, aap jab machine purchase karte ho, कोई भी मशीन, तो आप उस पर टैक्स पे करते हो और टैक्स क्या ले लेते हो, क्रेडिट ले लेते हो, अज्यूम करके कि मशीन आप ही यूज करने वाले हो. पर अगर आपने मशीन बेच दी तो आपने जितने टाइम तक वो असेट को यूज किया उतना ही क्रेडिट आपको मिलना चाहिए. उसके एक्सेस जो आप क्रेडिट ले चुके आपको वो डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा वापस. तो मुझे बता, नॉर्मली आपके मेरे हिसाब से असेट की लाइफ हम कितनी मानते हैं, 5 ईयर्स व्हाट आई अज्यूम. यहां भी ऐसा ही हो रहा है. इन्होंने बोला है आपने जितने भी टाइम यूज करी हर क्वार्टर का 5% और पार्ट ऑफ द क्वार्टर हम आपको क्रेडिट अलाउ करेंगे. क्या मतलब है मुझे बताओ, हमने असेट कब परचेस करी थी? We had purchased asset on 6th of July. 6th July को हमने asset क्या करी? Purchase करी. कितने की? 10 lakh rupees की. उस पर हमने क्या pay किया? GST pay किया. At what percent? 18%. तो हमने कितना tax pay किया? 1,80,000 का tax pay किया, जिसका मैंने credit ले लिया. अब मैंने asset क्या कर दी? बेच दी. कब बेची? 18th October को बेची. 18th अक्टूबर को मैंने एसेट बेच दी. कितने में बेची? 6 लैक्स में. सोल्ड कितने बेची? 6 लैक्स में. आई होप यू विथ मी. एंड 6 लैक्स में जब मैंने बेची तो मैंने जीएसटी चार्ज किया कितना परसेंट? 18% जीएसटी चार्ज किया. कितना मैंने जीएसटी चार्ज किया? 18% मैंने जीएसटी चार्ज किया, विच कम्स टू 1,08,000. ये एक फिगर दिमाग में रखना. पहले ये फिगर कैलकुलेट कर लिया करो कि बॉस जब आप जब कोई भी चीज बेचोगे, आप सप्लायर हो गए हो, सप्लायर होकर आप जीएसटी चार्ज करोगे, कलेक्ट करोगे, तो कितना कलेक्ट करोगे? 1,08,000. पर इनका क्या कहना है, आपने क्रेडिट कितना लिया? 1,80,000. क्या पूरा की पूरा क्रेडिट आपका है? नहीं मैम. तो कितना आपका है? तो इनका क्वेश्चन है आपने कितने क्वार्टर यूज किया? 6, 7,
2017 से लेके 18 अक्टूबर 2018 तक यूज किया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, हमारा 17-18 फाइनेंशियल ईयर के लिए कितने क्वार्टर हो गए, 3 क्वार्टर हो गए। फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, भले एक क्वार्टर का एक दिन भी यूज कर लिया तो भी आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा। मतलब 18-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए मैंने कितने क्वार्टर यूज किए, 3 क्वार्टर्स। तो इन ऑल मैंने कितने क्वार्टर यूज किए, 6 क्वार्टर। इनका कहना है पर क्वार्टर मैं आपको 5% क्रेडिट अलाउ करूंगा, तो 6 क्वार्टर का मैं कितना परसेंट अलाउ करूंगा, 30% अलाउ करूंगा। मतलब आपको 30% मिलना चाहिए था, आपने कितना ले लिया, 70% ले लिया। आपने पूरा 100% ले लिया तो आपको 70% वापस करना पड़ेगा, तो आपने कितना लिया, 1,80,000 क्रेडिट लिया, पर आपको टोटल लेना कितना चाहिए था, 54,000। बस 30% ऑफ 1,08,000, 30% ऑफ 1,08,000 आपको लेना चाहिए था, तो वो कितना होता है, 54 होता, पर आपने पूरा 180 लिया तो आपको 1,26,000 क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को वापस करना पड़ेगा। तो इनका कहना ये अमाउंट या फिर आपने बेचा है उस पे जो टैक्स आपने कलेक्ट किया वो अमाउंट विच एवर इज हायर, मतलब 1,26,000 और 1,08,000 विच एवर इज हायर, मैं आपको 1,26,000 रुपीज डिपार्टमेंट को वापस करने पड़ेंगे। एम आई वेरी क्लियर, इज दिस क्वेश्चन वेरी क्लियर, एम आई क्लियर, कैन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, सो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी अवेल करने की कंडीशंस क्या है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ने हमें चार कंडीशंस बताई। पहली, फर्स्ट कंडीशन, आई होप यू विद मी, जो भी क्रेडिट ले रहा है उसके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट की कॉपी होनी चाहिए, ही शुड बी इन द पोजिशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट। सेकेंड, ही हैज रिसीव द गुड्स एंड और सर्विसेज फॉर विच ही इज गोइंग टू टेक द आईटीसी। थर्ड, the supplier has actually paid the tax in respect of such supplier, मतलब supplier ने government को tax pay कर दिया है, and जो ITC क्या कर रहा है, avail कर रहा है, उसने return क्या file कर दिया, file कर दिया है। अगर चारों conditions क्या हो जाती है, satisfy हो जाती है, तभी ITC avail किया जा सकता है। कितनी conditions है, चार। First क्या है, उनके पास tax invoice की debit note की copy होनी चाहिए। सेकेंड, गुड सर्विसेज मिल जाने चाहिए उनको। थर्ड, सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना चाहिए। एंड फोर्थ, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करना है, अवेल करना, उनका रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए अंडर सेक्शन 39। एम आई क्लियर, इस क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, कैन आई गो एट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, LMN and company and unregistered supplier under GST wants to claim input tax credit and collect tax, can he do so? No, until and unless you are not registered, neither can you collect tax nor can you take the claim of ITC. ना आप tax collect कर सकते हैं ना आप input tax credit ले सकते हैं। तो अगर आप tax collect करना चाहते हैं या आप input tax credit avail करना चाहते हैं, और अगर आपके पास section 22 या section 24 applicable नहीं हो रहा है, मतलब आपका aggregate turnover 20 lakhs exceed नहीं हुआ है, या आप compulsory registration में आते नहीं हो, तो you can go for voluntary registration under section 25 subsection 3. आप क्या कर सकते हो, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई लिमिट नहीं है, एंड वंस यू आर रजिस्टर्ड यू कैन कलेक्ट टैक्स ऑल्सो एंड यू कैन इवन टेक द आईटीसी का बेनिफिट। एम आई क्लियर, इस क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, कैन आई गो एट कम टू क्वेश्चन नंबर 5, तिरुपति ट्रेडर्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी सी एज वेल एज एसआरआई एज अ केस में भी अंडर रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम का मैसे एक होता है रेगुलर स्कीम, होता है कंपोजिशन स्कीम। ये रेगुलर स्कीम फॉलो कर रहा है, मतलब रेगुलर, मतलब जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स वो पे कर रहा है। एज फर्निश टू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। बस थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हो ना, ढंग से पढ़ना। यहाँ पे सप्लाई किया कितने का, 12,000 का, एंड इन्होंने इंट्रा स्टेट परचेस किया है। दोनों सप्लाई मत समझ लेना, एक सप्लाई दूसरा परचेस है। तो जब मैं सप्लाई करूंगा तो मैं सी जीएसटी एंड एस जीएसटी
कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को पे करूंगा, मतलब मेरी लायबिलिटी पे करने की आती है, और जब मैंने माल खरीदा है तो उस माल पे जो मैंने टैक्स पे किया होगा उसको मुझे क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। एम आई क्लियर? तो 12,000 पे मुझे जीएसटी क्या करना है, पे करना है, बट मैं 10,000 पे ऑलरेडी जीएसटी पे करके आ चुकी हूँ, मुझे उसका क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एम आई क्लियर? तो लेट्स सी क्या रेट दिया, 9%, 9%, 18%, 9, 9 CNS, 18 IGST। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब ये 10,000 और 12,000 में टैक्सेस एडेड करे हुए नहीं है। ऑल द नेसेसरी कंडीशन हैज बीन सैटिस्फाइड एंड देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, टेक सूटेबल अजम्पशंस। आई होप यू विद मी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है। एम आई क्लियर? तो मुझे 12,000 पे जीएसटी क्या करना है, पे करना है, दोनों ही ट्रांजैक्शन क्या है, इंट्रा है, तो जब मैं कलेक्ट करके पे करूंगी तो मैं सीएनएस पे करूंगी, और जब मैंने परचेस किया था तो मैंने किसको टैक्स दिया था, सप्लायर को दिया था, सप्लायर को किसको पे करना था, गवर्नमेंट को पे करना था, तब मैंने क्या पे किया, सीएनएस। 12,000 का 9% 1,080, 12,000 का 9% 1,080, ये मुझे डिपार्टमेंट को पे करना है। तो ऑलरेडी मेरे पास क्रेडिट कितना रखा है, 10,000 का 9% मतलब 900 CGST एंड 900 SGST। आई हैव टू पे 1,080 एज CGST, और मेरे पास क्रेडिट कितना रखा है 900 रुपीज का, तो मैं बैलेंस कितना पे करूंगी, 180 रुपीज, 180 रुपीज आई विल बी पेइंग एज CGST एंड 180 रुपीज आई विल पेइंग एज SGST। एम आई क्लियर? इस क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Am I clear? Can I go in? Question number 6. Go in. A registered supplier is engaged in providing services in the neighboring state. इसका मतलब दूसरे स्टेट को माल दे रहा है, मतलब वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है. From his registered office located in Mumbai. मतलब वो मुंबई में है और अपने neighboring state को माल दे रहा है. Indirectly it is given hint that I am doing interstate supply. He has furnished the following details in respect of inward and outward supplies. तो ने interstate supply किया कितना, 1,80,000 का, and receipt of goods and services within the state. मतलब supply क्या था, inter. तो इस 180 पे वो क्या चार्ज करेगा रिसिपिएंट से, IGST चार्ज करेगा, और जब माल उसने खरीदा तो कहां से खरीदा, सेम स्टेट से खरीदा, और खरीदा होगा जब सेम स्टेट से, सप्लायर ने क्या चार्ज किया होगा उसको, CGST एंड SGST। तो इसके पास CGST एंड SGST क्या है, क्रेडिट रखा हुआ है, और उनको IGST क्या करना है, पे करना है। आई होप यू आर विथ मी। सी का रेट कितना है 9%, एस का रेट कितना है 9%, आई का रेट कितना है 18%। बोथ इनवर्ड एंड एक्सवर्ड आउटवर्ड इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ऑल नेसेसरी कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जो सूटेबल अजम्पशंस है वो ले सकते हो। अब मुझे बताओ 180 पे उनको क्या पे करना है, IGST पे करना है, व्हाट परसेंटेज, 18% राइट। तो 1,80,000 का 18% कितना होता है, 32,400। आई होप यू विद मी। ये इनको क्या करना है, पे करना है, पर ही ऑलरेडी हैज अ क्रेडिट ऑफ व्हाट, CGST एंड SGST। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे नॉर्म्स क्या है, रूल्स क्या है। अगर मुझे IGST का क्या करना है, पेमेंट करना है, लिसन टू मी, पे किसका करना है, मुझे आई का करना है, और मैं बस क्रेडिट किसका रखा हुआ है, CGST का एज वेल एज SGST का, तो कैन आई यूज दिस क्रेडिट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ IGST। तो उनका क्या कहना है, रूल्स क्या बोलते हैं, सेक्शन क्या बोलता है, इफ यू हैव क्रेडिट ऑफ CGST पहले इसको सी के लिए यूज करो और बचे तो आई के लिए यूज करो। दूसरा है, अगर आपके पास क्रेडिट किसका रखा है, SGST का रखा है, तो पहले इसको किसके लिए यूज करो, एस के लिए यूज करो, बचे तो आई के लिए यूज करो। अब यहां तुम्हें लायबिलिटी किसकी है, आई की ही है, मतलब मुझे जो मेरे पास क्रेडिट रखा हुआ है, जो मेरे पास क्रेडिट रखा हुआ है सी का, आई डोंट हैव एनी लाइबिलिटी ऑफ सी, तो आई कैन कंप्लीटली यूज फॉर आई, सेम ओवर हियर, मेरे पास क्रेडिट किसका रखा हुआ है, एस का रखा है, आई डोंट हैव एनी लाइबिलिटी ऑफ एस, सो आई कैन कंप्लीटली यूज इट फॉर आई, यस और नो, आई होप यू विद मी। तो मेरे को 32,400 का IGST पे करना है, एंड आई हैव 9,000, हाउ 9,000, कितने का माल परचेस किया मैंने, 1 lakh का 9% CGST and 1 lakh का 9% SGST, तो आई कैन यूज 9,000 फर्स्ट
आई पूरा मैं सी का पूरा मैं आई के लिए यूज कर सकती हूँ और पूरा एस में किसके लिए यूज कर सकती हूँ, आई के लिए यूज कर सकती हूँ। नेट कितना पे करना पड़ेगा इन कैश? 14,400। तो 14,400 में कैसे पे करूंगी? मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पहले पैसे क्या करूंगी? डिपॉजिट करूंगी। और मेरे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में 14,400 दिखेगा, मैं कैश लेजर में 14,400 करूंगी, फिर मैं उसको ऑफसेट कर दूंगी। एम आई वेरी क्लियर? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी आएगा, बच्चे थोड़ी है हम लोग। एम आई क्लियर? कैन आई गो एंड आगे बढ़ सकती हूँ? Come to next question, question number 7. Shipra Traders is a registered supplier of goods in Assam. Okay. It purchased goods value 10,000 from Kartik suppliers located in the same state. मतलब कार्तिक ने से, मेरी लाइफ में तो हमेशा पहले मैं ये दिखती थी, सेलर कौन है, बायर कौन है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रिसीवर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, इंपोर्टर कौन है, मैं ये दिखती थी हमेशा, तो मेरे को समझ में आता था। अब यहाँ पे शिप्रा कौन है? माल खरीद रहा है किससे? कार्तिक से। तो कार्तिक कौन हो गया यहाँ पे? सप्लायर। और शिप्रा कौन हो गया? रिसीवर, रिसिपिएंट। कितने का माल खरीदा? 10,000 का, सेम स्टेट में। मतलब कार्तिक ने क्या लगाया होगा? CGST लगाया होगा, एज वेल एज कार्तिक ने SGST लगाया होगा। हमें क्लियर? 10,000 का माल खरीदा। कार्तिक सप्लायर्स चार्ज CNS, ये नहीं बोलते तो हमको समझ में आता, सेम स्टेट बोला, सब कुछ थोड़ी बताना चाहिए, बच्चों को खुद भी तो कुछ करने देना चाहिए। मैम आप सीए बन गए ना, हम भी बन जाएं? नहीं नहीं, बन जाओ। सब्सिक्वेंटली शिप्रा ट्रेडर्स सोल्ड गुड्स वैल्यूइंग ₹9,500 टू रबीना मैन्युफैक्चरर्स। आप सेकंड सिनेरियो में क्या हुआ? शिप्रा ने माल किसको बेचा? रबीना को बेचा। कितने का? 9,500 को भी, सेम स्टेट में। मतलब शिप्रा ने यहां भी क्या चार्ज किया होगा? ड्यूअल जीएसटी, मतलब सी एज वेल एज एस, 20%। ये गुगली वाली लाइन है, बस यहाँ ये आप लोग कंफ्यूज कर लोगे अपने आप को, बस दिखना ही नहीं हो गया। मैम आपने इंपॉर्टेंट क्या मार्क के, हमको दिख भी नहीं रहा है। ओके ठीक है, हटा देती हूँ। 20% ऑफ द इनपुट परचेज आर स्टिल लाइंग इन द स्टॉक। मुझे बताओ, ऐसा हमने कहीं भी पढ़ा है जीएसटी में कि जो इनपुट्स हम यूज कर रहे हैं फॉर आउटपुट उसी का हम क्रेडिट ले सकते हैं? नहीं, हम जैसे इनपुट आ गया हम उसे पूरा क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। मतलब मैं पूरे 10,000 का क्रेडिट अवेल कर सकती हूँ, मेरे को 80% अवेल करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे? 20% ऑफ द इनपुट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन टू कंफ्यूज यू पीपल, आर स्टिल लाइंग इन द स्टॉक। पड़े रहने दो ना, क्या तकलीफ है, बाद में बेच देना ना बना के। दिस लाइन इज जस्ट टू कंफ्यूज यू पीपल। इस लाइन का मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे को तो इतना समझ में आता है 9,500 का माल बेचा है, उसको मैंने इंट्रा किया है, तो मैं 9% सी लगाऊंगी, 9% एस लगाऊंगी, ये मुझे डिपार्टमेंट को पे करना है। और मैंने 10,000 का माल क्या करा है? खरीदा है। जब मैंने खरीदा होगा तो मैंने सी और एस क्या किया था? पे किया था। तो मुझे उसका क्या मिलना चाहिए? इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलना चाहिए। 20% का पॉइंट मुझे कोई मतलब ही नहीं है। एम आई वेरी क्लियर? मार्क कर लो इस क्वेश्चन में, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 9,500 का 9% कितना होता है? ₹855। सीजीएसटी ₹855, एससीएससी मुझे डिपार्टमेंट को पे करना है। और मैं बस क्रेडिट कितने का रखा है? ₹900 का क्रेडिट रखा है सी का, ₹900 का क्रेडिट रखा है एस का। तो इन शॉर्ट में बस क्रेडिट ज्यादा है, मुझे पे कम करना है। तो मुझे एज ऑफ नाउ कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ₹45 का बैलेंस अभी भी ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए दिखाएगा। एम आई क्लियर? बस वो लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सिर्फ तरीका क्या होता है, कल एग्जाम है तो आज कम से कम वो अलग अलग लाइंस जो होती है ना उसको देख के जाना चाहिए, क्योंकि कल पेपर है, ये लाइंस देख के चले जाओ। हमें क्लियर? इस क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर? कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली नहीं हूं, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करके आ चुके हैं कि मैंने एसेट परचेस करी थी तो उसमें मैंने टैक्स क्या किया था? पे किया था, उस टैक्स से मैंने क्रेडिट ले लिया, फिर मैंने एसेट क्या कर दी? बेच दी। तो बॉस जितने टाइम मैंने एसेट को क्या किया था? यूज किया था, उतने टाइम क्रेडिट मेरा है। तो जो ज्यादा क्रेडिट है मुझे एक डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो अमाउंट जो एक्सेस क्रेडिट वो, या जब मैंने एसेट बेची तो उसमें मैंने जो जीएसटी क्या किया? चार्ज किया। वो उन दोनों से विच एवर इज हायर मेरे को डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम, सिर्फ नंबर्स चेंज किए। यू कैन रिलेट दिस क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 2। एम आई क्लियर? कैन आई गो एंड
आगे आई. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? Cloud 7 Private Limited, a registered supplier, is engaged in the manufacture of taxable goods. The company provides the following information pertaining to GST paid on the purchases made or inputs of services. Simple question. देख के मेरे दिमाग में ना 17 subsection 5 की घंटी बजती है. बस 17.5 आपके पेपर में आएगा ही आएगा. मतलब एटलीस्ट एक चीज तो क्लियर है, आईटीसी का सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट आएगा. प्लीज उसको थरोली याद करके जाना कौन कौन सी चीज का क्रेडिट क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है. एम आई क्लियर? सिंपल. लेट्स सी. ट्रक परचेस किया है, नॉर्मली मोटर व्हीकल पे टैक्स जो पे किया होता है उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, पर अगर आपने मोटर व्हीकल किस पर्पज के लिए यूज करिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए परचेस की, तो क्रेडिट मिलेगा. यस. फूड एंड बेवरेजेस का नॉर्मली अगर आपने फूड एंड बेवरेजेस परचेस किया है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, पर अगर आपने फूड एंड बेवरेजेस खरीदा, क्यों खरीदा, सेम आउटवर्ड सप्लाई करेंगे. मतलब अज्यूम करें मेरा फूड एंड बेवरेज का क्या है, बिजनेस है, और मैंने फूड एंड बेवरेज खरीद के आगे बेचा, तो मतलब मैंने इनपुट्स लिया, तो इंश्योर मेरे लिए वो क्या हो गया, इनपुट्स हो गए ना. इनपुट्स लेके मैंने आउटपुट दिया तो मुझे क्रेडिट मिलता, या कब क्रेडिट मिलता, जब मैं उसे एज अ मिक्स सप्लाई या एज अ कंपोज्ड सप्लाई यूज करती तो मुझे क्रेडिट मिलता. यहां पे दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मुझे यहां पे क्रेडिट नहीं मिलेगा. इनपुट्स, इनपुट्स पे क्रेडिट मिलता है, पर अगर इनपुट्स में लॉट में मंगवा रही हूं तो जब तक सारे के सारे लॉट नहीं आ जाएंगे तब तक मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा. यहां पे मैंने इनपुट्स 5 लॉट में मंगवाए हैं और अभी थर्ड लॉट आया है, मतलब अभी मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों का क्रेडिट नहीं मिलेगा. मुझे इकट्ठा जब फिफ्थ लॉट आ जाएगा तब मैं सारे का इकट्ठा लूंगी, तो मतलब यहां भी नो. मेंबरशिप फीस क्लियरली डिसअलाउ कर दिया सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ने, क्योंकि आपने मेंबरशिप फीस पे करी, उस पर आपने जीएसटी पे किया है, उस जीएसटी का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. कैपिटल गुड्स मैंने परचेस किया है, उसे मैंने 4 लाख का जीएसटी पे किया, मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा, पर आगे ब्रैकेट में देख के रखा है कि उस 4 लाख में से 50,000 का जो माल था उसका इनवॉइस नहीं है मेरे पास. हम अभी ऊपर पढ़ के आए कि क्रेडिट कब मिलेगा, जब आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए. अगर आपकी टैक्स इनवॉइस की कॉपी क्या हो गई है, मिस हो गई है, तो आपको उस अमाउंट क्रेडिट नहीं मिलेगा. मतलब 4 लाख में से मुझे 50,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब मुझे 3.5 लाख का ही क्रेडिट मिलेगा. एम आई क्लियर? फोर्थ और मे बी 6 पॉइंट, रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन मार्च. हम कौन से मंथ की बात करें, फरवरी मंथ की बात करें. भैया माल जब आएगा तब क्रेडिट मिलेगा, मार्च के महीने में आया ना तो मार्च के महीने मिलेगा, इस महीने में नहीं मिलेगा. तो इन शॉर्ट मुझे फरवरी मंथ में 1,20,000 प्लस 3,50,000 का क्रेडिट मिलेगा. 1,20,000 प्लस 3,50,000, मतलब टोटल मेरे को 4,70,000 का क्रेडिट मिलेगा. आई होप यू आर विथ मी. और जो जो मैंने आपको बोला है वो आपको है नोट्स टू द अकाउंट्स में लिख के आना पड़ेगा. मैं बार बार बोल रही हूं, आप नोट्स नहीं लिखोगे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको 2 नंबर से ऊपर नहीं मिलेगा. भले आपका आंसर 4,70,000 आ भी जाए तो भी आपको आंसर्स फुल 5 मार्क्स मिलने वाले नहीं है. और नोट्स जो करना, अज्यूम करो पेपर चेकर को कुछ भी नहीं मालूम है, आपको सब कुछ बताना है. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? इज क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर? कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म इनपुट टैक्स. अगेन अ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, मैं उसको डेप्थ में जाऊंगी नहीं, डेफिनेशन है, पर सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए, व्हाट इज इनपुट टैक्स. जब मैं इनपुट्स परचेस कर रही हूं, या मैं जब इनपुट सर्विसेज ले रही हूं, या जब मैं कैपिटल गुड्स परचेस कर रही हूं, तो उसमें जो टैक्स पे किया है उसे इनपुट टैक्स कहा जाता है. अब इनपुट टैक्स कैन बी अंडर एफसीएम, कैन बी अंडर आरसीएम, कैन बी अंडर एफसीएम, कैन बी अंडर आरसीएम. मतलब आज अगर मैं आपको माल दे रही हूं तो आप कौन हो, बायर हो, आपके लिए वो मैं जो टैक्स चार्ज करूंगी वो इनपुट टैक्स होगा. तो अगर हमारे और आपके बीच में एफसीएम लग रहा होगा, मतलब मैं आपसे कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को दूंगी, या आपके मेरे बीच में आरसीएम लग रहा होगा तो आप डिपार्टमेंट को खुद दोगे, वो दोनों ही आपके लिए क्या है, इनपुट टैक्स है. मैं क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपने माल क्या किया है, इंपोर्ट करवाया, गुड्स क्या करवाया है, इंपोर्ट करवाया, तो गुड्स के इंपोर्ट पे क्या लगता है, एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, सेकेंड एजुकेशन सेस लगता है,
थर्ड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस लगता है, फोर्थ इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है, एंड फिफ्थ कंपेंसेशन सेस लगता है अगर बोला गया है तो। पांच चीज लगती है इंपोर्ट पे, बीसीडी, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। दो ये एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अभी दोनों देखने हैं अपने को। तो अगर मैंने माल क्या करवाया है, इंपोर्ट करवाया है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी मैंने पे करी है, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस मैंने पे किया है, मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स पे किया है, मैंने कंपेंसेशन सेस पे किया है, पर इस पांचों में से मुझे सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स को क्या माना जाएगा, इनपुट टैक्स माना जाएगा। एम आई क्लियर? एंड एक्सक्लूड्स कंपोजिशन टैक्स। बस व्हाट इज कंपोजिशन टैक्स? अगर सप्लायर कंपोजिशन स्कीम क्या कर रहा है, ऑप्ट कर रहा है, तो वो कंपोजिट रेट से टैक्स लगाएगा, इट्स कॉल्ड एज कंपोजिशन टैक्स। वो टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट टैक्स माना नहीं जाता। एम आई क्लियर? कुछ सप्लायर आपसे कलेक्ट करने वाला है भी नहीं, वो खुद अपने जेब से पे करेगा, वो आपको टैक्स इनवॉइस भी नहीं देगा, आपको बिल ऑफ सप्लाई देगा। एम आई क्लियर? इस क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर वाज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, इनफैक्ट पूरा जीएसटी इजी है, सिर्फ थोड़ा सा प्रोविजन दिमाग में रखने पड़ेंगे। क्लियर टिल हियर? कैन आई गो अहेड? ओके ओके, सो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर निमित, अ सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन। He has made the following outward taxable supplies. He is not eligible for any threshold exemption. मतलब he is registered person, उनको tax pay करना पड़ेगा। ने interstate supply किया 6 lakhs का, interstate supply किया 2 lakhs का। He has also furnished the following information for the month of August, जो ने purchases किए, interstate purchase किया है 4 lakhs का, interstate purchase किया है 50,000 का। अब interstate supply पे, I hope you're with me. इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर वो क्या चार्ज करेंगे, सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी चार्ज करेंगे, और यहां पे वो आईजीएसटी चार्ज करेंगे, और इंट्रा पे जब उन्होंने परचेज किया होगा तो उन्होंने क्या पे किया होगा, सी प्लस एस पे किया होगा, और यहां पे उन्होंने आई पे किया होगा, राइट। और उनके पास क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस भी है, क्रेडिट का क्या है, ओपनिंग बैलेंस भी है, सी का 15,000, एस का 35,000, आई का 20,000। आई होप यू विद मी। क्वेश्चन क्या पूछा है, रेट दिख रखा है सी एस और आई का 9, 9, 18%। कोई भी फिगर्स में ऊपर या नीचे इनवर्ड या आउटवर्ड में टैक्स इंक्लूड नहीं है, ऑल कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, कंप्यूट द नेट जीएसटी लायबिलिटी। बहुत क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन ओनली प्रेजेंटेशन, कि जब मैं इंट्रा कर रहा हूं तो मैं सी और एस चार्ज कर रहा हूं, जब मैं इंटर कर रहा हूं तो मैं आई चार्ज कर रहा हूं, और मैंने परचेसेस में इंट्रा भी किया, परचेस में मैंने इंटर भी किया, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ जीएसटी का सी का भी है, एस का भी, आई का, तो मैं यूटिलाइजेशन कैसे होगी, मतलब मैं क्रेडिट कैसे यूज करूंगा। तो मुझे मालूम है कि अगर मेरे पास आई का क्रेडिट रखा है तो आई का क्रेडिट कैन बी यूज फर्स्ट फॉर आई, बचे तो सी, बचे तो एस और यू। C का अगर क्रेडिट रखा है तो C can be used first for the payment of C, and if left then payment of I, and S का क्रेडिट रखा है तो S can be first used for S and then for I। Am I clear? अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ नहीं है, पर इस क्वेश्चन ओनली रिक्वायर्स प्रॉपर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लिखते हैं, पहले क्या निकाला हम लोग ने, पहले हमने हमारी लाइबिलिटी निकाली, क्या निकाली हमने, हमारी लाइबिलिटी निकाली है। इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया मैंने कितना, 6 lakhs का, तो मैंने इंट्रा पे 9% सी एंड 9% एस, सी जीएसटी 54,000, एस जीएसटी 54,000, और मैंने इंटरेस्ट रेट किया कितने का, 2 lakh का, तो 2 lakh पे 18% कितना हुआ, 36,000, ये मुझे पे करना है। अब मेरे पास क्रेडिट कैसे रखा है, ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का इनकेस ऑफ सी कितना है 15,000, एस कितना है 35,000, आई कितना है 20,000, फिर मैंने इंटरेस्ट रेट परचेस किया कितने का, 4 lakh पे, तो उसमें 9% मैंने सी पे किया होगा, 9% मैंने एस पे किया होगा, 36,000 प्लस 36,000, और मैंने 50,000 का इंटरेस्ट रेट परचेस किया तो उसमें मैंने 18% पे किया होगा, कितना होगा वो 9,000। तो मेरे पास टोटल आईटीसी कितना है, सी जीएसटी 51,000, एस जीएसटी 71,000 एंड आई जीएसटी 29,000। यहां तक कोई डाउट है? अब
आई नो मेरे पास क्रेडिट कितना का हुआ है और आई नो मुझे पेमेंट कितना करना है. मेरी सी की लायबिलिटी कितनी है 54,000 की है और मेरे पास क्रेडिट कितना रखा है 51,000. मतलब मेरा 51,000 का सी जीएसटी का क्रेडिट पूरा सी के लिए यूज हो जाएगा. बात खत्म. अब मुझे एस कितना पे करना है 54 पे करना है. पर मेरे पास एस का क्रेडिट कितना रखा है 71 रखा है. मैं ज्यादा का रखा है तो आई कैन यूज ओनली 54 फॉर एस एंड बैलेंस आई कैन यूज फॉर आई. एंड आई मुझे कितना पे करना है 36 पे करना है और 36 के अगेंस्ट मेरे पास आई का क्रेडिट कितना रखा है 29 ही रखा है. तो मैं 7 का क्या है शॉर्टेज विच आई कैन यूज फॉर एस बिकॉज एस का क्रेडिट पहले एस के लिए यूज हो सकता है बच्चे तो आई के लिए यूज होता है. आई होप यू गेट माय पॉइंट. Yes or no? तो इन शॉर्ट मुझे सी जीएसटी 3,000 पे करना है क्योंकि एस का अभी भी क्रेडिट रखा है. एस कितना था हमारे पास 71 था. 71 में से मैंने कितना यूज किया 54 यूज किया. 71 के लिए मैंने कितना यूज किया 54 यूज किया. फिर मैंने 7 और यूज किया उसके बाद भी एस बचा है. पर एस के नॉट बी यूज फॉर सी. मतलब मुझे सी का अलग से कैश पेमेंट करना पड़ेगा. मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर 3,000 रुपीज अलग से डालने पड़ेंगे. एम आई क्लियर? कुछ भी नहीं था. प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया. एंड किस समझ में आता है आपने क्या किया है. एम आई क्लियर? कैन आई गो एट कम नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 अगेन सेम क्वेश्चन. क्या आपने कैपिटल गुड्स क्या करा परचेस किया. परचेस पे जीएसटी पे किया. जीएसटी क्रेडिट ले लिया और आपने वहां से बेच दिया. तो जितना टाइम आपने यूज किया है हर क्वार्टर का 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर वो आपको क्रेडिट मिलेगा. उसका एक्सेस क्रेडिट आपको मिलना नहीं चाहिए. तो जो एक्सेस अमाउंट है वो या बेचने पे आपने जीएसटी चार्ज किया वो विच एवर इज हायर वो आपको डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा विच यू ऑलरेडी डन इन क्वेश्चन नंबर 2. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सेम क्वेश्चन है सिर्फ नंबर्स चेंज किए. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. कम टू 13 क्वेश्चन. मिस्टर भोलेनाथ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी ऑन अ रेगुलर स्कीम and provides the following information for the month of January. उन्हें interstate tax में supply of goods के 10 लाख का, interstate किया supply 2 लाख का, interstate purchase किया 5 लाख का. उनके पास ITC का opening balance भी है, C का, S का और I का, और वो क्या पूछे net liability. मतलब this is the one of the most simplest question. मतलब not expected. अब ये level इतना कम level exam में नहीं आ सकता. थोड़ा लेवल उनको रेस करना ही है. 17.5 पूछने के पूरे चांसेस बनते हैं. इस क्वेश्चन में क्या करोगे अगेन प्रेजेंटेशन देखो. पहले आप क्या निकालो आपकी लायबिलिटी पेमेंट करने की कितनी है. तो अगर मुझे इंटरस्टेट सप्लाई किया 10 लाख पे कितना परसेंट 18% मुझे पे करना है विच कम्स टू 180 आईजीएसटी. एंड इंट्रा मेरा कितना है 2 लाख. तो 2 लाख का कितना परसेंट 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी विच कम्स टू 18,000 ईच. ओपनिंग बैलेंस कितना है सी का 20 एस का 30 आई का 25 और मैंने माल कितने का परचेस किया 5 लाख का. वो भी कौन सा परचेस किया इंट्रा परचेस किया. तो मैंने क्या पे किया होगा सी एंड एस पे किया होगा. इसका मुझे क्रेडिट मिलेगा कितना 45 and 45. तो टोटल मेरे पास आईटीसी कितना अवेलेबल है सी का 65 एस का 75 एंड आई का 25. अब मुझे पे क्या करना है. मुझे आई पे करना है 1,80,000 सी पे करना है 18,000 एंड एस पे करना है 18,000. ओके लेट्स सी. अब सी कितना पे करना है 18,000 और मेरे पास सी कितना है 65,000. बहुत है यार 18,000 यूज हो गया. एस कितना पे करना है 18,000 और एस भी मेरे पास कितने है 75,000 है. बहुत है यूज कर लो. मुझे आई कितना पे करना है 1,80,000 और मेरे पास आई कितना बचा 25,000. तो पहले मैं आई का अगेंस्ट आई करूंगी. मतलब आई का क्रेडिट फर्स्ट विल बी यूज फॉर आई. अब आई का क्रेडिट खत्म हो गया. अब मैं फिर सी का क्रेडिट यूज करूंगी. सी कितना बचा सिर्फ 47,000 बचा था. तो मैंने 47,000 यूज कर लिया और फिर सी भी क्या हो गया खत्म हो गया. फिर मैंने क्या यूज किया एस यूज किया और बैलेंस मुझे और कम पड़ा और मुझे अलग से क्या करना पड़ेगा 51,000 पे करना पड़ेगा आईजीएसटी. एम आई वेरी क्लियर? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है प्रेजेंटेशन है. देखो कैसे लिखा ये 18,000 सी जी एस टी 18,000 एस जी एस टी 25,000 आई 47 सी 57 एस. ये प्रेजेंटेशंस का ध्यान रखना. ये प्रेजेंटेशन आपकी लाइफ सिंपल कर देगा नहीं तो और डिफिकल्ट कर देगा. एम आई क्लियर? इस 13 क्वेश्चन क्लियर? कम टू 14 क्वेश्चन. श्रीधर कंपनी लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी मशीन्स. इट प्रोक्योर द फॉलोइंग आइटम्स. ओके जीएसटी पे किया है
Determine the amount of ITC available. Simple है. Sweets purchase किए for consumption. बहुत sweets की जब हम बात करते हैं, अगर आप consumption के लिए purchase कर रहे हो, तो उस पर जो आप tax pay कर रहे हो, उसका credit नहीं मिलेगा as per section 17 subsection 5 block credit. Raw material का credit मिलेगा. Trucks, basically motor vehicles का मैं बार-बार बोल चुकी credit नहीं मिलता है, पर अगर आपने trucks खरीदे for transport of raw materials, तो उसका credit मिलेगा. तो first case में नहीं मिलेगा, second case में मिलेगा, third case में मिलेगा and fourth case electronic transformers to be used in the manufacturing process. अगर आपने capital goods purchase किया है for manufacturing, for business purpose के लिए use किया है, तो उसका credit मिलेगा. तो इन चीज़ आपको 4, 5, 6 and 7 लाख का credit मिलेगा. Let's see the answer. Am I very clear? कुछ भी नहीं है, सिर्फ provisions मालूम होने चाहिए. And come to last question of this chapter. So we're done with ITC also. Question number 15. Fun Pharma Private Limited, a registered supplier, is engaged in manufacture of taxable goods. The company provides the following information of GST paid on the purchase made or input of services availed. Question kya hai? Determine ITC available. Matlab 17.5. Boss, main bol rahi hu. Strong feeling hai. 17.5. एग्जाम में 17 सबसेक्शन 5 एग्जाम में आएगा ही आएगा. परचेज ऑफ कैब्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज. बस मैंने आपको बोला कैब मतलब मोटर व्हीकल. मोटर व्हीकल के परचेज पर क्रेडिट नहीं मिलता है. और ये कौन से मोटर व्हीकल है? फॉर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स मतलब फॉर पीपल. तो नॉर्मली मोटर व्हीकल्स पर क्रेडिट नहीं मिलता है, पर अगर आपने मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर्स अगर आपने तीन चीजों के लिए खरीदी है, क्या आप मोटर व्हीकल परचेस करके बेचते हैं? मतलब आपका बिजनेस क्या है? बाइंग एंड सेलिंग. तो वो आपके लिए इनपुट्स हो गया. सेकंड, आपका बिजनेस क्या है? ड्राइविंग. आप लोगों को ड्राइविंग सिखाते हैं, ड्राइविंग स्कूल है आपका. आप बस सिखाते हो, कार सिखाते हो, ट्रक सिखाते हो, एयरक्राफ्ट सिखाते हो, तो फिर अगेन सर्विसेज देने के लिए वो आपके लिए इनपुट्स हो गया. एंड थर्ड, आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का बिजनेस है और अगर आपने उसके लिए मोटर व्हीकल खरीदी है, तो मैं इन शॉर्ट तीन चीजों के लिए, क्या आप मोटर व्हीकल खरीद के बेचते हो, या मोटर व्हीकल खरीद के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का बिजनेस है आपका, या थर्ड आपने मोटर व्हीकल खरीदा ड्राइविंग स्कूल के लिए, तो इन तीनों केस में आपने जो मोटर व्हीकल पे टैक्स पे किया है उसको क्रेडिट मिलेगा, रेस्ट नहीं मिलेगा. या आपने मोटर व्हीकल किसके लिए खरीदी है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, इनपुट्स कंसर्व 3 लॉट्स आउट ऑफ विच फर्स्ट लॉट वाज रिसीव. से हमने पढ़ा है इनपुट्स मिल जाने के बाद क्रेडिट मिलता है, और आप लॉट में मंगवा रहे हैं जब तक सारे के सारे लॉट्स नहीं आ जाए आप उस इनपुट का क्रेडिट नहीं ले सकते, नहीं मिलेगा. कैपिटल गुड्स, कैपिटल से क्रेडिट मिलता है, पर कब मिलेगा? इसे क्या लिखा? आउट ऑफ 3 आइटम्स इनवॉइस ऑफ 1 आइटम वाज मिसिंग, उस पर आपने जीएसटी कितना पे किया? 25,000. अगर इनवॉइस मिसिंग है तब क्रेडिट नहीं मिलेगा. मतलब इस केस में आपको सिर्फ 2,25,000 का क्रेडिट मिलेगा. एम आई क्लियर? एंड आउटडोर केटिंग सर्विस अवेल ऑन वुमेन्स डे, इसका भी आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है. ये भी 17 सबसेक्शन 5 में क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया. तो इंश्योर आपको सिर्फ 2,25,000 का क्रेडिट मिलेगा. तो जो जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो चीज आपके नोट्स में आने चाहिए. नोट्स में नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है, मार्क्स मिलेंगे नहीं, भले आपका आंसर मैच हो जाएगा. एम आई क्लियर? तो इस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लियर? आई होप आई एम वेरी क्लियर. यस, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. व्हाट्स द नेक्स्ट चैप्टर? रजिस्ट्रेशन. एम आई क्लियर टू यू? ओके. सो नाउ वी आर डन विद चैप्टर 7 इनपुट टैक्स क्रेडिट. So let's come to next chapter, chapter 8, registration. Again, one question from registration, is attempt may be aega. Am I clear? So let's go ahead with the question. Let's go to the first question. Tirupati Box Manufacturing Company started manufacturing corrugated boxes in Andhra Pradesh on 25th of January. On 6th May, its aggregate turnover exceeded 10 lakhs and on 1st November, its aggregate turnover exceeded 20 lakhs. I hope you are with me. Yes or no? It applied for registration on 28th of November and was granted registration on 5th of December. I hope you are with me now. क्या बोला जा रहा है? See, क्या rule है registration का? कि अगर
जिस दिन आपका टर्नओवर 20 लाख से क्या कर गया, एक्सीड कर गया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी फॉर रजिस्ट्रेशन. एंड इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट ये 20 लाख का लिमिट कितना हो जाएगा, 10 लाख का लिमिट हो जाएगा. एम आई क्लियर? अब प्रोविजन क्या बोलता है, लेट्स कम टू द प्रोविजन. व्हाट द प्रोविजन सेज, प्रोविजन क्या बोलता है, जैसे बेटा हमारा प्रोविजन क्या बोलता है, दैट अगर आपका टर्नओवर आज सपोज आज टुडे 20 लाख से क्या कर गया, क्रॉस कर गया. फॉर एग्जांपल अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से क्या कर गया, क्रॉस कर गया, सपोज कब 15 जनवरी 2018 को 20 लाख से आपका टर्नओवर क्या कर गया, क्रॉस कर गया, तो अगर आपने विद इन 30 डेज एप्लीकेशन क्या कर दी है, सबमिट कर दी. तो अज्यूम करो मैंने एप्लीकेशन सबमिट कब करी, सपोज मैंने सबमिट करी 11 फरवरी 2018. मैंने एप्लीकेशन कब सबमिट करी, 11 फरवरी 2018, मतलब विद इन 30 डेज मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी. और मेरे को सर्टिफिकेट कब मिला, सपोज मेरे को 20 फरवरी 2018 को सर्टिफिकेट मिला, तो क्वेश्चन ही आता है व्हाट इज माय डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो रूल है या सेक्शन ये बोलता है, इफ यू हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट योर टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख एंड इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 10 लाख, तो अगर आपने 30 डेज में अगर एप्लीकेशन क्या कर दिए, सबमिट कर दिए, तो जिस दिन आपका टर्नओवर क्या होता है, एक्सीड करता है, वो दिन आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा. पर अगर आपने 30 डेज, फॉर एग्जांपल इसी केस में मैंने सपोज 18 फरवरी 2018 को अगर मैंने एप्लीकेशन सबमिट करी होती, मतलब मैंने 30 डेज में एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी, और मेरे को सर्टिफिकेट कब मिला, 25 फरवरी 2018, तो क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो यहां इस केस में ये हो जाएगा. तो अगेन लेसन करो, अगर आपने जिस दिन आपका टर्नओवर क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, उसके 30 डेज में अगर आपने क्या कर दिया, एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, तो जिस दिन आपका टर्नओवर क्या कर गया, एक्सीड कर गया, वो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा. और अगर आपने 30 डेज में एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी, तो फिर जिस दिन आपको सर्टिफिकेट इश्यू होगा, वो दिन आपका रजिस्ट्रेशन का माना जाएगा. एम आई क्लियर? तो क्वेश्चन देखो, अब यहां पे आंध्र प्रदेश की लिमिट कितना है, 20 लाख का लिमिट है. आंध्र प्रदेश की लिमिट कितना है, 20 लाख का, नॉट 10 लाख. तो उनका टर्नओवर 20 लाख कब एक्सीड हुआ, इस टर्नओवर एक्सीडेड 20 लाख ऑन 28th ऑफ नो इस टर्नओवर एक्सीडेड 20 लाख ऑन 1st ऑफ 11 11 को टर्नओवर क्या हुआ, एक्सीड हुआ. एप्लीकेशन कब सबमिट करी, 28/11 को. एंड सर्टिफिकेट कब मिला, 5th ऑफ दिसंबर को. क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि हैज ही सबमिटेड द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज. यस, 1st नवंबर को उनका टर्नओवर एक्सीड हुआ, 28 नवंबर को उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, मतलब विद इन 30 डेज सबमिट कर दी है. इसका मतलब है विद इन 30 डेज सबमिट हो गई है, तो जिस दिन आपका टर्नओवर क्या करेगा, एक्सीड करेगा, वो दिन आपका रजिस्ट्रेशन का माना जाएगा. एम आई वेरी क्लियर? इस क्वेश्चन नंबर 1 वेरी क्लियर? कैन आई गो एंड चलो आगे बढ़ते हैं. कम टू सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स रीड द आंसर. सेकेंड क्वेश्चन आने की वजह से इसका आंसर पढ़ लेते हैं. सिंस तिरुपति बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 28th ऑफ 11, दैट इज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, द इफेक्टिव डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज 1st 11 2000, व्हाटएवर इज द फाइनेंशियल और व्हाटएवर इज द ईयर. एम आई क्लियर? कम टू सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द डिपार्टमेंट थ्रू द प्रॉपर ऑफिसर सीओ मोटो प्रोसीड टू रजिस्टर ऑफ अ पर्सन. सी, रजिस्ट्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, मतलब एक मैं खुद कर रहा हूं, और एक होता है रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट. जब रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट होता है तो उसे कहा जाता है सीओ मोटो रजिस्ट्रेशन.
When department does the registration called as sumo to. तो अगर department को ऐसा लग रहा है कि SSC को registration करवाना चाहिए था, पूछता है आपको registration नहीं करवाया, तो वो sumo to registration SSC का कर सकता है. तो क्या लिखा है? Yes, in terms of subsection 8 or section 25, क्योंकि section 25 किसकी बात करता है? Registration की बात करता है. Where a person who is liable to be registered under GST law fails to obtain registration, the proper officer may proceed to register such person as may prescribe. Am I very clear? Can I go ahead? आगे बस इस चैप्टर में से थ्योरी क्वेश्चंस ही बनेंगे, पर थ्योरी भी इज लाइक इजी थ्योरी नहीं है, इट कैन कंफ्यूज यू पीपल. एम आई क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ विल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू टू अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बी वैलिड. एक्सप्लेन हाउ लॉन्ग इट विल बी वैलिड. सिंका क्या कहना है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है वो उस स्टेट में सप्लाई कर रहा है जिस स्टेट में उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है. उसे उस स्टेट के लिए क्या कहा गया है? उसे उस स्टेट के लिए क्या कहा गया है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा गया है. और नॉन रेसिडेंट का मतलब उसके इंडिया में ही फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है. तो अगर इनको कोई ऐसे स्टेट में काम करना है जिस स्टेट में उनको फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. और जो नॉन रेसिडेंट है, अगर उसको इंडिया में बिजनेस करना है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. तो उनको रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा. सर्टिफिकेट कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा? स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन. जितना पीरियड स्पेसिफाई किया वो पीरियड, या 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर. से क्या लिखा है? द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन. जितना आपने एप्लीकेशन में लिखा कि मुझे 50 डेज का रजिस्ट्रेशन चाहिए वो 50 डेज, और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर. मतलब आपने 100 दिन का रजिस्ट्रेशन मांगा होगा तो आपको 90 डेज का ही मिलेगा, और आपने 50 डेज का मांगा तो आपको 50 डेज का ही मिलेगा. मतलब 50 और 90 विच एवर इज अर्लियर, मतलब 100 और 90 विच एवर इज अर्लियर इज 90. पर अगर आप चाहो तो प्रॉपर ऑफिसर को क्या कर सकते हो? रिक्वेस्ट कर सकते हो टू एक्सटेंड द रजिस्ट्रेशन फॉर फर्दर 90 डेज. एम आई क्लियर? इस क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? कैन आई गो एट कम टू क्वेश्चन नंबर 4. State the time period within which registration needs to be obtained in each of the following independent cases. Casual taxable person ko and person making interstate taxable supply. To samajho, registration normally, agar main bolu 4 category ko le leti hu, ek section 22 leti hu, ek section 24 leti hu, ek casual taxable person leti hu aur ek non-resident taxable person leti hu. 22, 24, casual taxable person and non-resident taxable person. अब 22 मतलब जिनका टर्नओवर 20 लाख से क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, और 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. एंड 24 इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्हाटएवर इज योर टर्नओवर. एम आई क्लियर? तो अगर आप 22 या 24 में आते हो, तो जिस दिन आपका टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस हो जाए उसके 30 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा. और 24 इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. तो अगर आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में सपोज आज आए हो, तो मुझे आज से 30 डेज के अंदर अंदर क्या सबमिट करना पड़ेगा? एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा. तो देखो क्या लिखा है. इन केस ऑफ पर्सन इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन. एंड इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उनको बिजनेस कमेंस करने के एटलीस्ट 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी. एम आई क्लियर? दे नीड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस. एम आई क्लियर? कैन आई गो इट? तो कम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. ब्लू मून लिमिटेड ऑब्टेन्स रजिस्ट्रेशन फॉर पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 9. सेक्शन 9 इज नॉर्मल टैक्स एंड सेक्शन 10 इज कंपोजिशन टैक्स. आई होप यू रिमेम्बर सेक्शंस. वो सेक्शंस पता होना चाहिए. ब्लू मून लिमिटेड ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फॉर पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 9, दैट मीन्स नॉर्मल टैक्स पेयर्स. ही आस्क्ड हिज टास्क मैनेजर टू पे टैक्स ऑन क्वार्टरली बेसिस. हाउएवर, ब्लू मून लिमिटेड टैक्स मैनेजर एडवाइज अ कंपनी टू पे टैक्स ऑन मंथली बेसिस.
यू रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द डिवाइस गिवन बाय द टैक्स मैनेजर. बॉस टैक्स मैनेजर बोल रहा है अगर आपके ऊपर नॉर्मल स्कीम लग रहा है तो आप क्वार्टरली टैक्स पे नहीं करोगे, आपको मंथली टैक्स पे करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन ने यह पूछा है कि जो टैक्स मैनेजर बोल रहा है वो सही है कि नहीं. तो बॉस अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर में आते हो तो यू हैव टू पे टैक्स मंथली. इट्स ओनली कंपोज्ड इन सप्लायर्स हैव टू पे द टैक्स क्वार्टरली. तो अगर आपका अप्रैल मंथ का टाइम ऑफ सप्लाई है तो आपको बाय 20th मई उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा. तो हर महीने की नेक्स्ट मंथ की बाय 20th आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. मतलब नॉर्मल स्कीम यू हैव टू पे टैक्स मंथली. तो जो एडवाइस गिवन बाय टैक्स मैनेजर वॉज करेक्ट. एम आई वेरी क्लियर? एम आई वेरी क्लियर? इस क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? कैन आई गो एट कम टू क्वेश्चन नंबर 6. मिस्टर नीरव कोठारी ऑफ जयपुर मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आ सकता है क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि ये लोग इस बार दे लास्ट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे तो ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है. मिस्टर नीरव कोठारी ऑफ जयपुर ऑफन पार्टिसिपेट्स इन द ज्वेलरी एग्जीबिशन एट ट्रेड फेयर इन दिल्ली विच इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. मिस्टर नीरव कोठारी अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इन जनवरी. सी अब नीरव कोठारी का क्या बोला गया है, वो पार्टिसिपेट कर रहे कहां पे, जयपुर में. नो ऑफ ही इज ऑफ जयपुर एंड इज पार्टिसिपेटिंग एन एग्जीबिशन इज गोइंग टू हेल्ड इन दिल्ली. आप समझो ये बंदा कहां का है, जयपुर का है, तो इसके पास प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे होगा, जयपुर में. अभी दिल्ली में जाके अगर माल सप्लाई करना चाहता है तो इज गोइंग टू अ प्लेस वे डोंट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस. तो अगर इनको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी तो यू कांट अप्लाई एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, हैव टू अप्लाई एज अ कैजुअल टैक्स पेयर. एम आई क्लियर? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. अब इन्हें एप्लीकेशन सबमिट करी, द प्रॉपर ऑफिसर डिमांडेड एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ द टैक्स इन एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर नीरव. यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर एनी एडवांस टैक्स इज टू बी पेड बाई नीरव एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन. अंडरस्टैंड करो बस, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करते तक आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ता है, पर इनकेस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त ही आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा. अरे फैक्ट ये है कि दिल्ली में आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, मैं आपको कहाँ पकड़ूंगा, पैसे दो रजिस्ट्रेशन लो. एटलीस्ट आपके एस्टिमेटेड लाइबिलिटी आपको लगता है कि इतनी लाइबिलिटी मेरी आएगी, यू पे द टैक्स. यू ऐसा क्यों हो रहा है कि दिस पर्सन इज फ्रॉम जयपुर एंड इज गोइंग टू डू अ बिजनेस फ्रॉम दिल्ली. तो इन दिल्ली ही कैन नॉट गो फॉर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लाइक बिकॉज इट डजंट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, यू हैव टू गो फॉर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन. क्लियर? क्या लिखा है? यस, मैं इसका आंसर पढ़ दूं, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. यस, एडवांस टैक्स is to be paid by Mr. Nirav Kothari at the time of obtaining a registration. Since Nirav Kothari occasionally undertakes supply of goods in the course or furtherance of business in a state where he has no fixed place of business, thus he qualifies as a casual taxable person. While a normal taxable person does not have to make any advance deposit of tax to obtain registration, a casual taxable person shall, at time of submission of application of registration, is required to pay the tax. Am I clear? To make an advance deposit of tax in an amount equivalent to estimated tax liability. Am I very clear? Am I very clear? Can I go ahead? Let's go to the next question. What is the difference between a casual taxable person and a non-resident person? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का जिस स्टेट में वो बिजनेस करने के बारे में बोल रहा है उस स्टेट में उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, पर नॉन रेसिडेंट पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ही नहीं है, रेसिडेंस इंडिया में ही नहीं है. तो क्या लिखा है? ओकेशनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस. And in case of non-resident person, he has no fixed place of business or a residence in India. For casual taxable person, his PAN number hota hai. Boss, wo to India ka hi banda hai, to uske paas PAN number hota hai. Par non-resident taxable person ka PAN number nahi hota hai. Casual taxable person same application form submit karta hai jo normal taxable person submit karta hai, par non-resident taxable person ka application form dusra hota hai. Business chest. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उस स्टेट में क्या करने गया, फॉर बिजनेस गया, मतलब हैज टू अंडरटेक द ट्रांजैक्शन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस.
पर यहाँ पे नॉर्मल टैक्स ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को बिजनेस टेस्ट को के सर्टिफाई या उसको उस टेस्ट को पास करने की जरूरत नहीं है. एंड लास्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैन टेक कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ऑल इनवर्ड सप्लाइज, वेयर एज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कैन गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड ऑल सर्विसेज. इम्पोर्ट पे जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट मिलेगा, रेस्ट किसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा. एम आई क्लियर? इस क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर? कैन आई गो अहेड? आगे बढ़े तो नाउ लेट्स कम टू 8th क्वेश्चन मार्क. 8th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में? वी हैव 8, वी हैव 9, वी हैव 10, वी हैव 11, आई होप यू विद मी, 12 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में. कम टू 8th क्वेश्चन. प्योर ऑयल्स दिल्ली हैज स्टार्टेड द सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल्स एंड हाई स्पीड डीजल ऑयल. सर्कल करो, मशीन ऑयल का बिजनेस है एंड हाई स्पीड डीजल ऑयल इन द मंथ ऑफ अप्रैल. द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन फॉर द सेम मंथ. सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल्स इन दिल्ली 2 लाख, सप्लाई ऑफ हाई स्पीड डीजल ऑयल इन दिल्ली 4 लाख, सप्लाइड मेड थ्रू फोर्टिस लुब्रिकेंट एंड एजेंट ऑफ प्योर ऑयल्स इन दिल्ली 1,75,000 and supply made by pure oils from its branch located in Punjab 180. Determine whether pure oil is liable for registration or not. तो registration के लिए कब होता है? अगर आपका aggregate turnover 20 lakhs क्या कर जाए, exceed कर जाए, तो आपको registration लेना पड़ेगा. और आप special category states में हो तो 10 lakhs की limit देके रखिए. अब यहाँ पे इस question में Delhi बोल के रखा है, मतलब 20 lakhs की limit है. Am I clear? Aggregate turnover. So now let's come to definition of what? Aggregate turnover. Aggregate turnover की definition क्या होती है? All taxable supplies, all exempted का मतलब क्या होता है? तीन होते हैं exemption में. One is exempted, second is nil, and third is non-taxable. ये तीन एग्जम्प्टेड में आ जाते हैं. एक्सपोर्ट्स को भी ऐड करेंगे एंड ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन. मतलब मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रही हूं और किसको? अपने डिस्टेंट पर्सन को, तो वो ऐड होगा. ये चारों ऐड करने के बाद अगर टर्नओवर 20 लाख से क्या हो जाता है, एक्सीड हो जाता है, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा. So let's see whether the turnover is exceeding or not. Supply of machine oils in Delhi. So this 2 lakh to add hoga. Supply of high speed diesel oil. What is high speed diesel boss? Diesel, petrol, natural gas, aviation turbine fuel. I hope you with me. And petroleum crude. ये पांच items के ऊपर as of now GST applicable नहीं है. तो ये कौन से है पांच? ये non-taxable है. ये non-taxable अभी हमने देखा कि इसे part of exempted, तो ये भी add होगा. Then supply made through, किसने supply किया? Fortis Lubricant was an agent of PureSil. तो अगर एजेंट कोई माल बेचता है तो वो principal के supply में add होगा, मतलब 175 add होगा. And supply made by pure oil from its branch located in Punjab. मतलब उसका एक और सी aggregate turnover की बात करें. Aggregate turnover का मतलब होता है जहां जहां मेरे offices हैं उन सबका turnover मैं add करूंगी, तो ये भी add होगा. तो मैं total कितना आ गया? चारों add करने के बाद मेरा total कितना आया? 9,55,000. कितना आया? 9,55,000. मतलब मैं 20 लाख एक्सीड नहीं किया है, तो मुझे एज ऑफ नाउ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करने की जरूरत है. एम आई क्लियर? कम बैक. आगे और कुछ पूछा है वो लोगों ने. विल यू आंसर चेंज इफ प्योर ऑयल सप्लाइज मशीन ऑयल्स अमाउंटिंग टू 2.5 lakhs फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इन एडिशन टू अबव मेंशन्ड सप्लाइज. मतलब ही हैज वन मोर ब्रांच इन हिमाचल प्रदेश. एक दिल्ली है, दूसरा पंजाब है, अब तीसरा हिमाचल प्रदेश है. व्हाट इज हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. तो मैंने दो ब्रांचेस
नॉर्मल स्टेट्स में और एक ब्रांच मेरा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, तो अगर मेरा एक भी ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में होगा तो 20 लाख की लिमिट कितनी हो जाएगी, 10 लाख की हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अगर मेरा एक ऑफिस दिल्ली में है और दूसरा ऑफिस सिक्किम में है तो माय रजिस्ट्रेशन लिमिट विल बिकम 10 लाख एंड नॉट 20 लाख। तो इन्होंने क्या बोला है, विल योर आंसर चेंज इफ प्योर ऑयल सप्लाईज मशीन ऑयल्स अमाउंटिंग टू ₹2.5 फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। यस, ये भी ऐड होगा क्योंकि ब्रांच में एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रही हूं, तो जैसे मैंने 2.5 क्या करूंगी, ऐड करूंगी, मेरा टोटल टर्नओवर कितना हो जाएगा, 12,05,000। और क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के केस में रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, 10 लाख की हो जाएगी, तो यहां पे मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एम आई वेरी क्लियर, कैन आई गो एट, यस, इट्स क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। कम टू 9 क्वेश्चन, अगेन ये थ्योरी क्वेश्चन है, मैं थ्योरी क्वेश्चन रिवाइज नहीं करवा रही हूं कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू गोइंग टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। तो सिर्फ सिंपल बताती हूं, रजिस्ट्रेशन जब एसएससी खुद करता है दैट्स कॉल्ड एज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, और जब डिपार्टमेंट करता है दैट्स कॉल्ड एज स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन। तो कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन दोनों ग्राउंड पर हो सकते हैं, एसएससी खुद भी कर सकता है, डिपार्टमेंट भी कर सकता है। एसएससी कब करेगा, जब बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दे, बिजनेस बेच दे, या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए, या 20 लाख लिमिट में नहीं आता हो, तो एसएससी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, दैट्स कॉल्ड एज वॉलंटरी कैंसिलेशन। डिपार्टमेंट कब कैंसिल करेगा, जब आप कोई कॉन्ट्रावीन कर रहे हो तो डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ, आप जहां आपने डिक्लेयर किया वहां कोई बिजनेस ही नहीं करे, तो मैं वहां का रजिस्ट्रेशन क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। ही इश्यूज इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, हाउ कैन यू इश्यू इनवॉइस विदाउट सप्लाई, मतलब फेक इनवॉइस इश्यू कर रहे हो, एंड यू आर वायलेटिंग 171 का प्रोविजन। 171 आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, 171 का मतलब एंटी प्रॉफिटरिंग, मतलब गलत तरीके से प्रॉफिटरिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। नेक्स्ट, अगर आपने 6 मंथ कंटिन्यूअसली रिटर्न फाइल नहीं किया, अगर आपने 6 मंथ कंटिन्यूअस रिटर्न फाइल नहीं किया, तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। नॉर्मली के नॉर्मल केस में रिटर्न एवरी मंथ फाइल होता है, एम आई क्लियर। GST 3 शुड बी फाइल्ड बाय एवरी मंथ, बाय इस महीने का अगर आप फाइल करो, अक्टूबर मंथ का शुड बी फाइल्ड बाय 20th of November। और अगर आपने कंपोजिशन स्कीम फॉलो किया था, तो कंपोजिशन वालों को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, तो अगर आपने 3 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स के लिए अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा। नेक्स्ट, आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन क्या किया, ऑब्टेन किया, तो भैया 6 महीने हो गए, बिजनेस शुरू नहीं किया, बिजनेस शुरू करो, नहीं तो आपका नंबर क्या कर देता हूं, कैंसिल कर देता हूं। एंड लास्ट, आपने रजिस्ट्रेशन कैसे ऑब्टेन किया, झूठ बोल के पेपर्स दिए, गलत पेपर्स दिए, तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। एम आई क्लियर, दीज आर द ग्राउंड्स ऑफ विच डिपार्टमेंट कैन कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। एम आई क्लियर, कैन आई गो एट, कम टू 10th क्वेश्चन, अगेन सेम, यू हैव जस्ट डिस्कस्ड, डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सी अगेन, अगर जैसे मेरा लिमिट 20 लाख से क्रॉस कर जाता है, अगर उसके 30 डेज में मैं क्या सबमिट कर देती हूँ, एप्लीकेशन सबमिट कर देती हूँ, तो जिस दिन टर्नओवर एक्सीड हुआ वो मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। और अगर मैंने 30 डेज में एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी, तो फिर जिस दिन मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा वो मेरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। एम आई क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ वरुण इंडस्ट्रीज ऑफ मुंबई हैज एक्सीड 20 लाख ऑन 1st August, कब एक्सीड किया, 1st August को। एप्लीकेशन कब सबमिट करी, 20th August को। सर्टिफिकेट कब मिला, 25th August को। हैव आई सबमिटेड द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज, यस। 1st August को टर्नओवर एक्सीड किया, 20th August को मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, मतलब इफेक्टिव डेट मेरा क्या माना जाएगा, 1st August माना जाएगा। एम आई क्लियर, यस। नेक्स्ट, श्वेता इन्फोटेक सर्विसेज आर प्रोवाइड ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इन पुणे, पुणे मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की लिमिट कितना है, 20 लाख। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ देम एक्सीड्स रुपीज 20 लाख ऑन 25th of September, एप्लीकेशन कब सबमिट करी, 27th of October, सर्टिफिकेट कब मिला, 5th of November। क्या मैंने एप्लीकेशन 30 डेज में सबमिट करी, नहीं मैम, 25th September को आपका टर्नओवर एक्सीड किया था,
आपने 27 अक्टूबर को एप्लीकेशन सबमिट करी है, मतलब आपने 30 डेज में एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी, तो इन दैट केस जिस दिन आपको सर्टिफिकेट क्या हुआ है, इश्यू हुआ है, वो दिन आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा. एम आई वेरी क्लियर? एस क्वेश्चन नंबर 10 वेरी क्लियर? कैन आई गो अहेड? कम टू क्वेश्चन नंबर 11. State with reason whether statement given is correct or incorrect. When a change in constitution, was constitution mein change aaya hai of business result in change in plan. Constitution change hoga to plan change hona hi hona hai. Partnership, proprietorship firm, partnership firm mein change ho gaya. Constitution change ho gaya. The business entity can apply for amendment of registration in prescribed manner within 15 days. Correct or incorrect? Incorrect, boss. GST is PAN based, तो PAN change हुआ है तो आपको नया number apply करना पड़ेगा. यहाँ amendment से काम होने वाला नहीं है, existing number surrender करके new number के लिए apply करना पड़ेगा. Statement is invalid. Answer read कर रही हूँ. Statement is false. Why false? When a change in constitution of a business result in change in PAN of the registered person, the said person shall apply for fresh registration. The reason is GST is PAN based and any change in PAN would amount for a new registration. I hope I am making myself very clear. Am I clear? And come to 12th question. So this is the last question of the chapter. Does cancellation of registration impose any tax obligation on the person whose registration is cancelled? अगर आपका registration क्या कर दिया, cancel कर दिया, तो कोई tax liability आती है क्या? हाँ आती है. See, बहुत depth में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग से provision read कर लेते अभी. Every registered person whose registration is cancelled shall pay an amount by way of debit in electronic cash ledger equivalent to the credit of input tax in respect of input held in stock or in WIP or in finished goods. मतलब सी लॉजिक क्या है? इनपुट्स रखा है, ये जब आपने इनपुट्स परचेस किया था उस इनपुट्स पे आपने क्रेडिट टैक्स पे किया था, उस टैक्स आपने क्रेडिट लिया, बट एन अजम्पशन कि आप बेचोगे तो आगे जीएसटी चार्ज करोगे, पर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, तो आगे तो कोई टैक्स लगाने वाले हो नहीं आप, तो बस ये इनपुट्स पे जो आपने क्रेडिट लिया था वो हमको वापस दो. कैपिटल गुड्स आपने परचेस किया था उसका क्रेडिट लिया था वो पैसा हमें वापस दो, वो अमाउंट या आउटपुट टैक्स पेबल, इसके आउटपुट टैक्स इसको बेचने पे ऑन सच गुड्स क्या आउटपुट टैक्स आता है? दोनों में से विच एवर इज हायर हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इज रजिस्ट्रेशन चैप्टर क्लियर? एनी प्रॉब्लम टेल यू? ओके, थैंक यू.